हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव प्रोफेशनल वर्ल्ड। आई नो हमारे बहुत से फ्रेंड्स हमसे नाराज़ होंगे क्योंकि कई दिनों से हमारी वीडियोस नहीं आ रही। तो सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि बिजी शेड्यूल होने की वजह से हम अपनी वीडियोस नहीं बना पा रहे थे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 16 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक हुए SSC MTS एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत से क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे, जैसे प्रधानमंत्री योजना से रिलेटेड क्वेश्चंस, या 2017 में मिले नोबेल पुरस्कार, या भारत रत्न पुरस्कार से संबंधित, या पहले हुए जितने भी आंदोलन जो गांधी जी द्वारा चलाए गए थे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके डाउट्स आपके मन में रहते हैं, लेकिन इसके सारे सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं, वो भी विद एक्सप्लेनेशन। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं तो इसके थ्रू आप अपने आंसर्स को टैली कर सकते हैं, और वो स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इस वीडियो से हेल्प मिल जाएगी कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। आप इसे प्लीज़ आखिरी तक देखें। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। मेरा पहला क्वेश्चन है, When did the जलियांवाला बाग massacre happen? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ये तो रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसे थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। ये हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में हुआ था। इसके अंदर रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण यानी बिना किसी कारण के उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 1000 से अधिक व्यक्ति मरे और 2000 से अधिक व्यक्ति घायल हुए। अगला क्वेश्चन राजनीतिक विषय से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर है 4A आर्टिकल 51A। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी तक के SSC MTS एग्जाम्स में ये 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रेडी कर लें। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। भारतीय कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 51 में जारी किया गया है, यानी जोड़ा गया है, और इसका उद्देश्य लोगों की मनोवृत्ति, आचार व्यवहार और विचारों को परिवर्तित कर क्रांति को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करना है। अगला क्वेश्चन प्रधानमंत्री योजना से संबंधित है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, यही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री योजना से संबंधित सभी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप उसे बहुत अच्छे से रेडी कर लें और हमारे बताए जाने वाले पॉइंट्स को साथ साथ नोट डाउन भी कर लें। Which scheme was started by Prime Minister on July 9, 2015? यानी कि प्रधानमंत्री द्वारा 9 जुलाई 2015 में कौन सी स्कीम शुरू की गई थी? तो उस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो अब इस योजना के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। यह योजना का वार्षिक प्रीमियम मात्र 12 रुपये है, जो इस योजना की खासियत है। इसमें दुर्घटना बीमा किया जाता है। यह योजना 18 से 70 साल के लोगों के लिए है। यदि इस योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की दुर्घटना से मौत हो जाती है या फिर हादसे से शरीर का अंग खराब हो जाता है तो उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे। इस योजना के संचालन का तरीका ठीक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की तरह है। अगला क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड अर्थ, चांद और पृथ्वी के बीच कितनी दूरी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 384,400 किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से सुन लें और अच्छे से सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लें। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी के मध्य से चंद्रमा के मध्य तक की दूरी 384,400 किलोमीटर है। यह दूरी पृथ्वी की परिधि के 30 गुना है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है। यह पृथ्वी की परिक्रमा
27.3 दिनों पूरा करता है और अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर भी 27.3 दिन में लगाता है। इसी कारण चंद्रमा का एक हिस्सा हमेशा पृथ्वी की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज ऑथर ऑफ मालगुडी डेज। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है आर के नारायण। आर के नारायण का पूरा नाम रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी है और इनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 में हुआ था। नारायण अंग्रेजी साहित्य के सबसे महान उपन्यासकारों में गिने जाते हैं। उन्होंने दक्षिण भारत के काल्पनिक शहर मालगुडी को आधार बनाकर अपनी रचनाएं की। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से लिया गया है। व्हाट इज विंडोज? विंडोज क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये आंदोलन शुरू हुआ था सन 1905 ईस्वी में। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। स्वदेशी का अर्थ होता है अपने देश का, यानी कि आपको जो भी सामान यूज़ करना है वो आप अपने देश का यूज़ करें। स्वदेशी आंदोलन करने का उद्देश्य था कि इस रणनीति का लक्ष्य ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना तथा साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना व भारत के लोगों के लिए रोजगार सृजन करना था। अगला क्वेश्चन प्रधानमंत्री योजना से संबंधित है। PMKSY स्कीम टैगलाइन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की टैगलाइन क्या है? अगर आप अभी तक की सारी वीडियोस देखते आए हैं तो आपको ये पता चल गया होगा, या मैंने भी अब कई बार बताया है कि प्रधानमंत्री योजना से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में एक ना एक ज़रूर पूछा जाता है। तो आप इसकी योजनाएं सारी की सारी अच्छे से पढ़ लें ताकि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है मोर क्रॉप पर ड्रॉप, यानी कि हर बूंद पर ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाना। ये तो रही आंसर की बात, अब इस क्वेश्चन का आंसर डिटेल में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी, जिसमें गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ रुपए बजट में निधि तय की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि को सिंचाई के वजह से होने वाले नुकसान से बचाना था। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रिटन इन द पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या लिखा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। इस आंसर को भी डिटेल में जान लेते हैं ताकि आगे अगर कुछ भी पूछ लिया जाए तो कोई दिक्कत ना हो। नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास से नवीनतम तत्व है। सर्वप्रथम यह आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। यह वह तत्व है जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अगला क्वेश्चन अवार्ड से संबंधित है। हु गॉट बेस्ट CM अवार्ड, किसे मुख्यमंत्री का पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही आंसर है चंद्रबाबू नायडू। नारा चंद्रबाबू नायडू का जन्म 20 अप्रैल 1950 में हुआ था। यह आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उनके नाम आंध्र प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान भी है। अब ये जान लेते हैं कि उन्हें ये खिताब यानी कि उन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया गया। उनको यह पुरस्कार भारत अमेरिका साझेदारी को प्रगान करने में उनकी भूमिका के लिए मई 2017 में यह पुरस्कार दिया गया। विच इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का पहला ऑर्गेनिक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है भूटान। भूटान एक ऐसा देश है जो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाता है। यहाँ प्लास्टिक की थैलियों पर भी प्रतिबंध है। भूटान का मुख्य निर्यात बिजली है, वह भारत को पन बिजली बेचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ, कौन सा तारा पृथ्वी के निकटतम है? तो इसका सही आंसर है सन, यानी सूरज एक ऐसा स्टार है जो पृथ्वी के सबसे निकटतम है। अब पृथ्वी से उसकी न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है और अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर
8 मिनट 16.6 सेकेंड में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल यूज फॉर रेलवे ट्रैक जॉइंट्स, रेलवे की पटरियों को जोड़ने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है फिश प्लेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द सन ऑफ बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का शासक था जिसके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था और बिंदुसार के पुत्र का नाम सम्राट अशोक, सुषिमा और वित्त अशोक था। तो आप एक बार अपने ऑप्शन में चेक कर लें, इन तीनों में से जो भी नाम गिवन हो आप उस पर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में प्लेयर्स की कितनी संख्या होती है? तो इसका सही आंसर है 5। इस गेम में दो टीम होती है और दोनों टीम की शुरुआत 5-5 प्लेयर्स के साथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रीडम ऑफ स्पीच कम्स अंडर विच फंडामेंटल राइट्स, बोलने की स्वतंत्रता किस मानवाधिकार में है? तो इसका सही आंसर है 19(1)(a) यानी अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने आदि की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज सुकन्या समृद्धि स्कीम लॉन्च्ड, सुकन्या समृद्धि स्कीम कब लॉन्च्ड हुई थी? तो इसका सही आंसर है 22 जनवरी 2015 और ये स्कीम नरेंद्र मोदी यानी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा लॉन्च की गई थी जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ से ही संबंधित है। 2017 से 18 में इसकी ब्याज दर 8.4% है। इस स्कीम के अंतर्गत एक खाता खोला जाता है जिसमें 14 वर्षों तक पैसे जमा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ प्लेइंग इट माय वे, यानी प्लेइंग इट माय वे का ऑथर कौन है? तो इसका सही आंसर है सचिन तेंदुलकर। ये बुक सचिन तेंदुलकर ने लिखी थी और इन्होंने ये बुक लॉन्च की थी 15 नवंबर 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज द फर्स्ट साउंड मूवी, पहली साउंड मूवी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है आलम आरा। आलम आरा 1931 में बनाई गई मूवी थी जो कि भारत में पहली बोलने वाली मूवी थी। इसमें निर्देशक अर्देश ईरानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट ब्लाइंडनेस इज द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए, इसका सही आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए हमारे शरीर की त्वचा, बाल, नाखूनों आदि के लिए बहुत लाभदायक होता है और इसकी कमी के कारण हमें थकान, सूखे बाल, निमोनिया, नींद ना आना या नाइट ब्लाइंडनेस जैसे रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डे एंड नाइट आर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ड्यूरेशन, कब दिन और रात की अवधि समान होती है? तो इसका सही आंसर है इक्विनॉक्स यानी विषुवतीय रेखा पर। 21 मार्च एवं 23 दिसंबर को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है और इस दिन पृथ्वी पर सभी जगह दिन और रात की अवधि समान हो जाती है जो कि 12-12 घंटे की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री डू नॉट हैव डॉक्यूमेंटेड कॉन्स्टिट्यूशन, किस कंट्री के पास लिखित संविधान नहीं है? तो इसका सही आंसर है इजराइल। इजराइल एक ऐसी कंट्री है जो लोकतांत्रिक तो है बट इसके पास लिखित संविधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्ट सत्याग्रह एंडेड एट, नमक सत्याग्रह कब समाप्त हुआ था? नमक सत्याग्रह जिसे दांडी मार्च भी कहा जाता है और ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। इस मार्च का मोटिव था अंग्रेजों द्वारा नमक पर लगाए गए कानून का विरोध करना और यह मार्च शुरू की गई थी 12 मार्च 1930 में। बट क्वेश्चन में पूछा गया समाप्त कब हुआ था, तो इसका सही आंसर है 6 अप्रैल 1930 में, यानी कि यह मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को और 24 दिन चला, उसके बाद 6 अप्रैल 1930 को यह मार्च खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीविंग ऑफ क्लॉथ्स कम्स अंडर विच सेक्टर, कपड़ों की बुनाई किस सेक्टर में आती है? तो इसका सही आंसर है टेक्सटाइल प्रोडक्शन। क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पॉलिसी इज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस तरह की पॉलिसी है? तो इसका सही आंसर है लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, यानी यह जीवन बीमा पॉलिसी है जिसके अंतर्गत किसी भी कारण से यदि
धारक की मृत्यु होने पर बीमा राशि मिलने का प्रावधान है। यानी इसके अंतर्गत अगर धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवारजन को 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इस इंश्योरेंस में 18 से 50 साल तक के लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोगन डू एंड डाई वॉज गिवन बाय, करो व मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। और यह नारा उन्होंने तब दिया था जब उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था, यानी कि 9 अगस्त 1942 में उन्होंने ये आंदोलन चलाया था, जिसमें उन्होंने लोगों को प्रेरित करने के लिए ये नारा दिया था, करो व मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर है मिचेल फ्राइडे ने। अगला क्वेश्चन है, डिजीज कॉज ड्यू टू विटामिन सी डेफिशिएंसी, विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर है स्कर्वी। स्कर्वी ऐसा रोग है जो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी के कारण और भी कई रोग होते हैं, जैसे मसूड़ों से खून बहता है, दांत दर्द हो सकते हैं, दांत ढीले या निकल सकते हैं, भूख कम लगती है। अगर इन रोग से बचना है तो विटामिन सी के जो अच्छे स्रोत हैं जैसे नारंगी और खरबूज ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिया रशिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, भारत और रशिया के बीच में कौन से सैनिक अभ्यास हुए हैं? तो इसका सही आंसर है इंद्र, जो कि 2017 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स प्रोस्पेक्टिव, इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स प्रोस्पेक्टिव का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है मीरा कुमार। मीरा कुमार ने यह पुस्तक लिखी थी और यह लोकसभा की पहली महिला सभापति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स फेस्टिवल इज हॉर्नबिल, किस राज्य में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है नागालैंड। नागालैंड में ये त्यौहार 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, यानी ये त्यौहार 10 दिन तक चलता है और ये त्यौहार नागा हेरिटेज विलेज किसामा में आयोजित किया जाता है, जो राजधानी शहर कोहिमा से ज़्यादा दूर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट मुगल किंग, मुगल साम्राज्य का पहला राजा कौन था? तो इसका सही आंसर है बाबर। बाबर ही ऐसा व्यक्ति था जिसने मुगल साम्राज्य की खोज की थी। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोज़ देखे हैं तो उसमें मैंने इन क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मुगल का शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा और उसने कई युद्ध किए जो निम्न प्रकार है, पानीपत, खानवा, चंदेर और घाघर। अगला क्वेश्चन है, हु गॉट मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2017, 2017 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर है डेविड ग्रॉसमैन। डेविड ग्रॉसमैन ने एक बुक लिखी जिसका नाम है अ हॉर्स वॉक्स इनटू अ बार, और इस बुक को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जेसिको कोहन ने। यह बुक लंदन में नवंबर 2016 में प्रकाशित की गई। अगला क्वेश्चन है, हाउ फार इज इट फ्रॉम द अर्थ टू द सन, पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है? तो इसका सही आंसर है 149.6 मिलियन किलोमीटर। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो सेम क्वेश्चन 18 सितंबर को भी पूछा गया है, बस थोड़ा चेंज किया गया था, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो उसका सही आंसर था सूरज। अब इस सेशन में भी यानी कि 19 तारीख को भी इन दोनों से ही रिलेटेड क्वेश्चन किया गया है, तो आप प्लीज़ इस टॉपिक को ढंग से तैयार कर लें, क्योंकि हर सेशन में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। 1200 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। इस मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है, इसका धरातलीय व्यास 14.32 मीटर और शीर्ष बिंदु का व्यास 2.75 मीटर है। ये 5 मंजिला मीनार है। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू फिश बैलेंस इन वाटर, मछली पानी में कैसे संतुलन बनाकर रखती है? तो इसका सही आंसर है यूजिंग फिन्स, यानी मछली के शरीर का पंख जिसे फिन्स कहते हैं, और उसकी मदद से वह पानी में संतुलन बनाती है। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग इज इन विच सेक्टर, बैंकिंग किस क्षेत्र में आता है? तो इसका सही आंसर है टेरिटरी, यानी तृतीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, नागल इज नोन फॉर, नागल किसके लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है फर्टिलाइजर्स, यानी उर्वरक, नागल उर्वरक के लिए जाना जाता है।
उर्वरक यानी कृषि में उपज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त रसायन है जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द फेमस गंगा सागर मेला एंड एनुअल फेयर इज हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के किस राज्य में गंगा सागर मेला आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कभी कभार थोड़ा चेंज करके भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे संविधान सभा के चेयरमैन कौन थे, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि संविधान सभा के पहले चेयरमैन थे। क्वेश्चन इज, हाउ मैनी राइट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में कितने राइट्स यानी याचिकाएं हैं? तो इसका सही आंसर है 5 यानी 5। अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है, और ये जो 5 राइट्स हैं वो निम्नलिखित हैं, जैसे पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश रिट, तीसरा प्रतिषेध रिट, चौथा उत्प्रेषण लेख, और पांचवा जो कि लास्ट है अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एस वर्ड इज रिलेटेड टू विच गेम, एस वर्ड किस गेम से रिलेटेड है? तो इसका सही आंसर है टेनिस, टेनिस गेम में एस वर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कलर इज एट द टॉप इन द स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम यानी कि तरंग, तरंग के शीर्ष पर कौन सा रंग होता है यानी सबसे टॉप पर कौन सा रंग होता है? तो इसका सही आंसर है रेड। यहाँ पे मैं आपको उसके बाकी रंगों के नाम बता देती हूँ, जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, सियान, ब्लू, इंडिगो एंड द लास्ट वन इज वायलेट, यानी इसमें सबसे ऊपर जो रंग है वो है रेड कलर, जो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन शब्द जो है वो किडनी सबसे रिलेटेड है, जिसका सही आंसर है फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द किडनी, यानी गुर्दे की कार्य प्रणाली का अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी लेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण की कितनी लेयर है? इसका सही आंसर है 5, जो कि इस प्रकार है, पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा बहिर्मंडल। यह मैंने असेंडिंग ऑर्डर में नेम्स अरेंज किए हैं, यानी क्षोभ मंडल सबसे नीचे आता है, उसके ऊपर समताप मंडल, बीच में मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल और सबसे ऊपर आता है बहिर्मंडल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिस्कवर्ड वेन डायग्राम, वेन डायग्राम की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है जॉन वेन। जॉन वेन वे व्यक्ति थे जिन्होंने वेन डायग्राम की खोज की थी, और इस डायग्राम का नाम उनके नाम पर ही रखा गया, वेन डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज लुमिनस बॉडी, कौन सी बॉडी लुमिनस है यानी चमकीली है? तो इसका सही आंसर है प्लैनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज कवर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड, हवा के किस आवरण ने पृथ्वी को चारों तरफ से घेरा हुआ है? तो इसका सही आंसर है एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। वायुमंडल में सभी गैसों का सम्मिश्रण है, इसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और बाकी सारे गैसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, बहुत से गैसेज आ जाते हैं, वो सारे मिलाकर 1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज स्कोर्ड मैक्सिमम रन्स इन रानाजी ट्रॉफी 2015? रानाजी ट्रॉफी 2015 में सबसे ज़्यादा किसने स्कोर किए थे? तो इसका सही आंसर है एस संतोष अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो इसका सही आंसर है नाइल रिवर। नाइल रिवर उत्तरी पूर्व अफ्रीका में है, जिसकी लगभग टोटल लंबाई लगभग 6,650 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच गेम इज़ फेमस इन केरला, केरला में का कौन सा गेम फेमस है? तो इसका सही आंसर है वल्लमकली। वल्लमकली एक ऐसा गेम है जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और इसमें बोट रेस लगाई जाती है, यानी एक तरीके से ये समुद्री खेल है जिसमें बहुत बड़ी बोट होती है और काफ़ी लोग इसमें बैठे होते हैं और एक दूसरी बोट से रेस लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 90 डिग्री लैटिट्यूड इज़ नोन एज,
90 डिग्री का अक्षांश किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो इसका सही आंसर है पोल्स, यानी ध्रुवीय बिंदु में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा इज, राज्यसभा में टोटल कितनी सीट्स हैं? तो इसका सही आंसर है 250, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड कैथोड रेज, कैथोड रेज की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है जे.जे. थॉम्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनीमिया डिजीज इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विच एलिमेंट, एनीमिया यानी कि रक्त की कमी से होने वाली बीमारी, ये किस तत्व की कमी के कारण होती है? तो इसका सही आंसर है आयरन यानी लोह तत्व। लोह तत्व के अभाव में बोन मैरो में हीमोग्लोबिन का पर्याप्त मात्रा में निर्माण नहीं हो पाता, जिससे एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रिसाइडेड लोकसभा, लोकसभा कौन संचालित करता है? तो इसका सही आंसर है द स्पीकर यानी सभापति। लोकसभा संसद का निचला सदन होता है और इसमें कुल सदस्य संख्या 552 होती है। क्वेश्चन इज हु गॉट ब्रेवरी अवार्ड रिसेंटली, किसे हाल ही में साहस के लिए पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही आंसर है तरहा पेजू। तरहा पेजू अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली 8 वर्ष की बच्ची थी जिसे भारत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसने अपने दो दोस्तों को डूबने से बचाने के लिए अपने प्राण बलिदान कर दिए। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि तरहा पेजू को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो उसका आंसर है भारत अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंडामेंटल राइट्स कम अंडर इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मानवाधिकार संविधान के किस भाग के अंदर आता है? तो इसका सही आंसर है पार्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेखर नायक बिलोंग्स टू विच गेम, शेखर नायक किस गेम से बिलोंग करते हैं? तो इसका सही आंसर है क्रिकेट। शेखर नायक भारतीय राष्ट्रीय दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं और 2017 में इन्हें भारतीय सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर है डी मेंडेलीव, जिनका पूरा नाम है डिमिट्री मेंडेलीव। यह एक रूसी रसायनक और आविष्कारक थे। मेंडेलीव का अमर कार्य तत्व आवर्त नियम और आवर्त सारणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉटन वीविंग एंड एग्रीकल्चर कम्स अंडर विच सेक्टर, कपास बुनाई और खेती किस क्षेत्र के अंदर आती है? तो इसका सही आंसर है प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही कपास बुनाई और खेती जैसे कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज जनधन योजना लॉन्च्ड, जनधन योजना का कब आरंभ किया गया? तो इसका सही आंसर है 28 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है और जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार को बैंक खाता खोलना है। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को की गई थी, पर इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच अमाउंट इज गिवन बाय प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कितना अमाउंट मिलता है? तो इसका सही आंसर है 2 लाख रुपए। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें भी यानी 19 सितंबर को भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, बट टॉपिक यही था लेकिन क्वेश्चन दूसरा था। तो यानी कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लें क्योंकि हर एक सेशन में और हर एक शिफ्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस बीमा में 18 से 50 वर्ष आयु के लोग बीमा करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गॉट द फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड इन द ईयर 2016, फीफा का सर्वोत्तम फुटबॉल पुरस्कार 2017 का किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो पुर्तगाल के नेशनल टीम से खेलते हैं, और महिला में कारी लॉयड को दिया गया जो यूएस की टीम से खेलती है। इस क्वेश्चन में मैंने आपको दोनों के नाम यानी महिला और पुरुष के नाम बता दिए हैं, तो आपके ऑप्शन में जो भी नाम गिवन हो आप उस पर टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म वाइड बॉल एसोसिएटेड इन विच गेम,
व्हाइट बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है क्रिकेट। व्हाइट बॉल उस बॉल को कहते हैं जिसमें बॉलर बैट्समैन से दूर बॉल फेंक देता है, चाहे वो ऑफ साइड हो या लेग साइड, और इससे बैटिंग करने वाली टीम को एक रन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई कंट्री माई लाइफ बुक ऑथर। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है एल के अडवाणी, जिनका पूरा नाम है लाल किशन अडवाणी और ये बीजेपी के नेता हैं, और यह बुक प्रकाशित की गई 19 मार्च 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फेमस रूलर इन मौर्यस। मौर्य साम्राज्य में कौन सा शासक बहुत प्रसिद्ध था? तो यहाँ पर हमारे पास दो आंसर हैं, पहला चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा अशोका। ये दोनों ही शासक ऐसे थे जो मौर्य साम्राज्य में बहुत प्रसिद्ध हुए। तो अगर आपके ऑप्शन में इन दोनों शासक में से कोई सा भी नाम गिवन है, आप उस पर टिक कर सकते हैं, वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट द मेंबर ऑफ G4 कंट्रीज। इनमें से कौन सा G4 कंट्रीज का मेंबर नहीं है? हमारे पास इस क्वेश्चन के ऑप्शन गिवन नहीं है, तो इसलिए मैं आपको उन मेंबर्स के नाम बता रही हूँ जो G4 मेंबर्स के सदस्य हैं। पहला ब्राज़ील, दूसरा जर्मनी, तीसरा इंडिया और चौथा जापान। ये चारों ही G4 कंट्रीज के सदस्य हैं। तो अगर आपके ऑप्शन में इसमें से कोई भी अलग नाम मिले, आप उस पर टिक कर सकते हैं, वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है वेंकय्या नायडू। कभी कभार इस क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति कौन है, तो तब भी हमारा आंसर सेम होगा वेंकय्या नायडू। तो अगर आप चेयरमैन की जगह वाइस प्रेसिडेंट लिखा हुआ देखें तो कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो, उन दोनों ही क्वेश्चन में आंसर सेम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडियो इन्वेंटेड बाय। रेडियो की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है मार्कोनी। मार्कोनी एक इटालियन थे जिन्होंने रेडियो का आविष्कार 1895 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुचिपुड़ी इज डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। कुचिपुड़ी किस राज्य का डांस फॉर्म है? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य का नाम कृष्णा जिले के दीवी तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा। परंपरा के अनुसार ये नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता था और वह पुरुष ब्राह्मण समुदाय के होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड रेडियम। रेडियम की खोज किसने की? रेडियम एक धातु है जो पिसे हुए नमक के समान होता है तथा पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा मैरी क्यूरी, यानी रेडियम की खोज की थी मैरी क्यूरी ने, और ये खोज की थी उन्होंने 1898 में। क्वेश्चन है विच नेबरिंग कंट्रीज सेकेंड नेम इज बर्मा। भारत के कौन से पड़ोसी देश का नाम बर्मा है? तो इसका सही आंसर है म्यांमार, और जिसका कैपिटल है नेपिडो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप वॉज हेल्ड इन विच कंट्री। 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किस कंट्री में होने वाला है? तो इसका सही आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड वेल्स में 5वीं बार क्रिकेट का आयोजन किया जा रहा है और ये 30 मई से 15 जुलाई तक खेला जाएगा, जो कि 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड क्लोट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। मींस ब्लड का धक्का किस विटामिन के कारण जमता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी हाउसेज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के कितने हाउसेज हैं? तो इसका सही आंसर है दो। भारतीय संविधान के दो हाउसेज हैं, पहला राज्यसभा जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, दूसरा लोकसभा जिसे हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लाइंडनेस कॉज्ड बाय किसके कारण दिखाई नहीं देता? तो इसका सही आंसर है विटामिन ए, यानी विटामिन ए की कमी के कारण पर्सन ब्लाइंड हो जाता है और उसे दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड बैरोमीटर। बैरोमीटर का इन्वेंट किसने किया था? बैरोमीटर मीन्स वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र, और इसका आविष्कार किया था इवेनगेलिस्टा टोरिसेली ने। तो इसका सही आंसर है इवेनगेलिस्टा टोरिसेली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्लेस ऑफ मर्करी इन द सोलर सिस्टम। बुध ग्रह का कौन सा स्थान है सौरमंडल में? तो इसका सही आंसर है क्लोजर टू द सन, यानी ये सूर्य के सबसे निकट है।
मरकरी ऐसा ग्रह है जो सबसे छोटा है और ये सूर्य के चारों ओर 88 दिनों में एक चक्कर लगाता है। इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 3/8 भाग है और यहाँ दिन अत्यधिक गर्म और रातें बर्फीली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रूट्स आर नॉट इटेबल्स, कौन सी जड़ खाने वाली नहीं होती है। इसका सही आंसर हमें नहीं मिल पाया है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे, तो मैं आपको उन फूड के नाम बता देती हूँ जो जड़ वाली होती है और जिसे हम खाते हैं, जैसे प्याज, अदरक, गाजर, शकरकंद। यानी इनके अलावा आपको कोई भी ऑप्शन मिलता है तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टोन टूल्स वर फाउंड फर्स्ट इन विच एज, किस काल में स्टोन टूल्स की खोज की गई थी। तो इसका सही आंसर है पैलियोलिथिक एरा, यानी पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वर रिसेंटली अवार्डेड भारत रत्न, यानी रिसेंटली किसे भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो हमारे पास यहाँ दो नाम हैं जिन्हें 2015 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पहला मदन मोहन मालवीय और दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी। इन दोनों को ही 2015 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मदन मोहन मालवीय जो काशी विश्वविद्यालय के प्रणेता थे और इस युग के आदर्श पुरुष थे, ये भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया था। दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी, ये हमारे भारत के 11वें प्रधानमंत्री थे जो कि बीजेपी पार्टी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के रीजन को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है टॉरिड जोन, जिसे हम हिंदी में उष्णकटिबंध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, संविधान प्रभावी रूप में कब आया। हमारे पास इसके दो डाउटफुल आंसर हैं, आपके ऑप्शन में जो भी गिवन हो आप उस पर टिक कर दें। पहला तो इसको अप्रूव किया गया था 26 नवंबर 1949 में, पर इसे प्रभावी रूप में लाया गया 26 जनवरी 1950 में। तो अगर आपके ऑप्शन में इन दोनों में से कोई भी पॉइंट गिवन है वो आपका सही आंसर होगा। इन क्वेश्चंस के साथ आज का सेशन यही ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस मिल सकें। और ये सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू।